आज के एपिसोड में हम देखेंगे। कई लोगों ने ऐसा बोला कि टेनिस बॉल स्विंग कैसे होती है, तो मैं उनको यही क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बॉल टेनिस बॉल स्विंग नहीं होती है। जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि आप थोड़ा बाहर निकले क्रिकेट के लिए। अगर आपको कोई बुलाता है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप बंगाल से निकल के थोड़ा आप खेलें और थोड़ा अगर ऑल ओवर इंडिया नाम कमाएं। तो जब भी मैंने बंगाल क्रिकेट का नाम सुना, ये नहीं कि आज के 7-8 साल पहले भी, मैंने अगर मैं यूपी में था, मैंने जब नाम सुना तो टिल्लू शर्मा का नाम सुना। लेकिन नाश्ते में आपको क्या पसंद रहेगा, क्योंकि कुकिंग पे सवाल चल रहा है, पाव भाजी, वड़ा पाव या लिट्टी चोखा? हाय फ्रेंड्स, मैं अंकुर सिंह। यूट्यूब पर जाएं, theworldcricket.com को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकॉन का दबाएं और बंगाल टेनिस क्रिकेट के प्लेयर्स के सारी अपडेट और जानकारी पाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द वर्ल्ड क्रिकेट डॉट कॉम में। ये हमारा बंगाल टेनिस क्रिकेट का पहला ऐसा वेब शो जिसका नाम हमने रखा है द लॉकडाउन शो, और मैं आपका होस्ट और दोस्त किशोर कुमार बैनर्जी, और मेरे साथ मेरे सह होस्ट आदित्य कुमार पांडे। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य, वेलकम टू द लॉकडाउन शो। तो आगे जो है, पिछले एपिसोड में हमने द लॉकडाउन शो का पहला एपिसोड जो था वो हमारा जगत के साथ हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और आप वो जो एपिसोड है उसका मजा लुत्फ उठा सकेंगे। तो पिछले जो एपिसोड है उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं जो हमारे व्यूअर्स ने बताया कैसा हुआ क्या नहीं, तो उन्हें हम कुछ पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स को। तो पहला, मैं मेरा मोबाइल ले लेता हूँ। तो पहला कॉमेंट ऐसा आया है रोहित सिंह का, वो लिखते हैं कि सुपर, ये होता है इंटरव्यू। और दूसरा जो कमेंट आया है वो शेख सामिम के तरफ से आया है, वो है पीकू पॉल नेक्स्ट एपिसोड। तो दूसरे जो कमेंट्स है, दो कमेंट्स और, वो आदित्य पढ़ेंगे। तीसरा कमेंट आया है सुकल्पो पात्रा का, उन्होंने कहा है कि प्लीज ब्रिंग टिल्लू भाई इन द नेक्स्ट एपिसोड। और चौथा बोला है, कहा है संदीप दास ने, पुट्टू साहा नेक्स्ट एपिसोड। तो हम ये सारे जो चीजें हैं, जो पहले तो सबसे पहले थैंक्स हमारी तरफ से कि आपने इतना सराहा इस शो को, हमने दिल से बनाया था इस चीज को, और जितने सारे आपने रिक्वेस्ट किए हैं उनका लिस्ट डाउन हम कर रहे हैं एक के बाद एक। जो है एपिसोड जो है उनमें आपको आपके जो पसंदीदा चरिता जो प्लेयर है उनका जो है इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो आज जो है इस एपिसोड टू को शुरू करने से पहले कुछ दुखद घटना जो हुए हैं हाल ही में हमारे राज्य में, पश्चिम बंगाल में, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है कि हमारे यहाँ हाल ही में सुपर साइक्लोन अम्फन ने इम्पैक्ट किया और बहुत ही बुरी तरीके से जो है तबाह कर दिया हमारे राज्य को, जहाँ 6 करोड़ लोग, करीब करीब 6 करोड़ लोग इफेक्टेड हुए इससे। तो होप सरकार क्विक रिकवरी कर रही है, सब एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो होप हम बहुत जल्दी इससे जो है निकल पाए और जैसा हमारा नॉर्मल डेली लाइफ होता है उसमें हम आ पाए। साथ ही में जो दूसरा दुखद घटना जो घटा है वो है कि हमारे बंगाल टेनिस क्रिकेट के एक दिग्गज प्लेयर, जिन्हें हम बंगाल टेनिस क्रिकेट के बेस्ट विकेट कीपर की हैसियत से भी जानते हैं, राकेश पांडे, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो हम जो है ये शो शुरू करने से पहले एक श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, तो 15 सेकंड का मौन व्रत रखेंगे। तो मौन व्रत स्टार्ट करते हैं। तो आदित्य, क्या लगता है, अब हम दूसरे एपिसोड में भर रहे हैं, कैसा लग रहा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस? पहले तो सभी दर्शक को धन्यवाद कहना चाहता हूँ इस शो को इतना प्यार देने के लिए, और उन्हें भी हमारा ये दिल से किया हुआ काम अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि ये शो एक ऐसा शो है, पहली बार आ रहा है बंगाल टेनिस क्रिकेट प्लेयर लोग को लेके, तो काफी उत्साह है सबके बीच में, फैंस भी इसे इस शो को सहार रहे हैं,
और मुझे लगता है कि ये शो से हम सबको पता चलेगा कि टेनिस क्रिकेटर लोग का लाइफ जो है सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड तक ही सीमित नहीं है, उसके बाहर भी उनका लाइफ है, तो उनके पर्सनल लाइफ एंड पैशन को भी जानने का मौका मिल रहा है सभी को। तो हम जो है इस शो में, द लॉकडाउन शो में, टेनिस क्रिकेट प्लेयर के जो है क्रिकेटिंग लाइफ, उनके पर्सनल लाइफ, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक टेनिस क्रिकेटर को बुलाने वाले हैं जो कि है मुंबई की ईशान और है बंगाल की जान, वो पीएलबी के कैप्टन भी है। तो बुलाते हैं अंकुर सिंह को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। वेलकम टू द लॉकडाउन शो, वेलकम टू द वर्ल्ड क्रिकेट डॉट कॉम सबसे पहले, थैंक यू, और वेलकम टू आवर शो द लॉकडाउन शो। थैंक यू। शो पे आके कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग को मैंने बताया जैसे कि बहुत ही अच्छी ये पहल की है आप लोगों ने कि सारे प्लेयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि उनका स्ट्रगल, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, कैसा क्रिकेट खेला है, किस कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसा उनका शेड्यूल है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और ये दुआ करता हूँ कि ऐसे आप लोग और अब अच्छे काम करते रहें और लोगों तक अच्छे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। थैंक यू। आप लोग का दुआ रहा तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे और सबको, सब तक ये सब पहुंचाएंगे वीडियोस। यही उद्देश्य है ओरिजिनल द लॉकडाउन शो जो हमने सोचा, विजन यही उद्देश्य था कि सबको इकट्ठा करके इस तरीके से टेनिस क्रिकेट को और फैलाया जाए। तो सवाल पे जाते हैं भैया, आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? सोचे आप लोगों के जी लॉकडाउन बहुत अच्छा है, स्पेंड कर रहा हूँ फैमिली के साथ, हूँ, टाइम स्पेंड होता है बढ़िया मस्त, हम लोग इंडोर गेम्स खेलते रहते हैं, ऑनलाइन लूडो देखते हैं और हंसी मजाक करते हैं। बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है कि आप एज अ प्लेयर, प्लेयर्स को बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है कि वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। सो मुझे ऐसा टाइम मिला है तो मैं उसको पूरा फुल एंजॉय कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ उसको। तो सवाल इस पे ये था कि क्योंकि आप जो है महाराष्ट्र से, मुंबई से बिलोंग करते हो, और जैसा कि हमको पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है वो कोरोना इफेक्टेड हुआ और रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थे, तो उस समय फिटनेस के लिए आप क्या कर रहे थे, फिटनेस आपका रिजीम क्या था? जी फिटनेस के लिए भी मैं जब ऐसा मतलब कंफर्म हो गया कि लॉकडाउन चल ही रहा है या लॉकडाउन बढ़ते रहेगा, तो मैंने भी कहा यार घर में बैठ के अब कितना क्या कर सकते हैं, खाली बॉडी वेट ही बढ़ेगा क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं, तो सोचा कि घर पे एक्सरसाइज वगैरह चालू करता हूँ, क्योंकि आप ऑन फील्ड मैचेस रहता है तो उतना टाइम मिलता नहीं एक्सरसाइज का, क्योंकि वैसे ही आपकी बॉडी वर्कआउट हो जाता है, पूरा बॉडी वर्कआउट आप खेल रहे हैं। मैंने एक्सरसाइज करने का सोचा और जब से लॉकडाउन चालू हुआ उससे पहले से ऑलमोस्ट मैं कंटिन्यू घर पे, जहाँ मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया, उसमें सब कुछ मुझे जो लगता है मेरी फिटनेस के लिए जरूरी है, मेरे बॉलिंग के लिए जरूरी है, वो प्रॉपर मैं उसमें टाइम स्पेंड करता हूँ और डाइट भी फॉलो करता हूँ कि मुझे क्या चीज खाना चाहिए क्या चीज नहीं खाना चाहिए, तो अभी पूरा फोकस बॉडी पे ही है। अभी मुंबई में ही है? नहीं नहीं, ये मुंबई में नहीं हूँ मैं, मुंबई से एक हफ्ता हो गया घर आ। अच्छा, अच्छा। और घर आने के बाद होम क्वारंटाइन ही हूँ, घर से बाहर निकलता नहीं हूँ जी, यही सोच के रखा है कि जो भी गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं उसको पालन किया जाए, और सब व्यूवर्स से भी यही बोलता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और क्वारंटाइन पीरियड मेंटेन करें सब। जी जी। तो आप बेसिकली आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो बताएंगे यूपी के कहाँ से बिलोंग करते, कौन से प्लेस से, और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी, यूपी में ही हुई थी या महाराष्ट्र या फिर कोलकाता वगैरह कहीं से हुई थी? जी जी, मैं यूपी में बस्ती करके हमारा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गोरखपुर से पहले, वहाँ के पास एक विशेषरगंज करके बाजार है छावनी के पास, और मेरे गांव का नाम सैंडपुर है, उसके वहाँ का मैं हूँ, वहाँ मेरे जन्म हुआ और मैंने पढ़ाई स्टार्टिंग से ही मैंने लखनऊ में करी, 12th तक पढ़ाई मैंने लखनऊ में अपनी कम्प्लीट करी, और फिर मैंने ग्रेजुएशन, मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना था, वो उस टाइम लखनऊ में था नहीं वो डिग्री, तो फिर उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर बीएससी मैंने जौनपुर से, और अभी रिसेंटली मैंने बीपीएड भी कंप्लीट किया है सुल्तानपुर से, केएनआई कॉलेज से। तो यूपी से महाराष्ट्र आप जब शिफ्ट किए तो क्या क्या स्ट्रगलिंग लाइफ कैसी थी वहां पे, मतलब क्या क्या स्ट्रगल किए थे आप यूपी से महाराष्ट्र में जब शिफ्ट किए वहां पे?
माहौल कैसा था, मतलब कि मेरा ही नहीं, वो सबके लाइफ का मतलब ही है, लाइफ का मतलब ही स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपकी लाइफ में भी हुआ रहेगा, और इवन जो है पूरी फैमिली ही, पूरी फैमिली ही शिफ्ट हुई, सबकी लाइफ में स्ट्रगल आता ही है। सो नहीं पूरी फैमिली नहीं, मैं इंडिविजुअल शिफ्ट हुआ। अच्छा, क्योंकि मुझे क्रिकेट का क्रेज था और स्टार्टिंग से कोई सपोर्ट उतना करता नहीं था, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास फैमिली में सबकी थिंकिंग यही रहती है कि आप क्रिकेट खेलोगे तो कोई फ्यूचर नहीं है, या इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं कब तक क्रिकेट खेलोगे। सो पीछे से कोई ऐसा पुश करने वाला या कोई ऐसा बैकअप नहीं था कि मैं किसी के सहारे या मुझे कोई मोटिवेट करने वाला हो स्टार्टिंग में। तो मैंने जो भी अचीव किया खुद के मेहनत से ही किया। उसके बाद अभी धीरे धीरे पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, अभी ऐसा हो गया है कि खुद से ही बोलते हैं कि प्रैक्टिस कर लो, मैच खेल लो। तो ये एक अच्छी चीज है कि उनको लगता है, अभी उनको मेरे पर भरोसा, हाँ ये कुछ कर सकता है, इसने किया है, जो भी अचीव किया है मेहनत से अपने, तो अच्छा लगता है अभी। तो बचपन से जो है क्रिकेट यूपी में प्रैक्टिस किया था या महाराष्ट्र जाके वो ज्यादा चेंज हुआ? और इसके साथ ही सवाल रहेगा कि अगर आपने यूपी में भी क्रिकेट, मतलब प्रोफेशनली जो लेदर बॉल क्रिकेट कह रहा हूँ, अगर वो यूपी में भी प्रैक्टिस किया है और मुंबई में प्रैक्टिस किया है तो डिफरेंस क्या है? क्या आपने यूपी में लेदर बॉल क्रिकेट प्रैक्टिस किया है, वहां से स्टार्ट है? नहीं, लेदर बॉल क्रिकेट तो मैंने मुंबई में स्टार्ट किया, और जैसे जो टूर्नामेंट्स होते थे ऐसे लोकल मैचेस खेले हैं मैंने टूर्नामेंट। अच्छा। उसमें भी एज अ ओपनिंग ही बैटिंग करता था मैं, एज अ ओपनर बैटिंग किया है, बॉलिंग डाला है। अच्छा। लेकिन अगर प्रैक्टिस की बात करें तो मैंने प्रैक्टिस लखनऊ में स्टार्ट, सॉरी मुंबई में स्टार्ट किया, लखनऊ में नहीं। मैं टेनिस बॉल से खेलता था स्टार्टिंग से, जब मैं 11th-12th में था, तो 11th-12th से ही मैं प्रोफेशनल टीम में खेलने लगा था। हमारी लखनऊ की अवध 11 करके टीम थी, तो सम्राट 11 करके, उसमें खेला है मैं, खेला हूँ मैं स्टार्टिंग से ही। और अगर लेदर क्रिकेट की, मैंने मुंबई में स्टार्ट किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत डिफरेंस है वहाँ के मुंबई के क्रिकेट में और यूपी क्रिकेट में, क्योंकि वहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है कि जो स्ट्रगलर, मतलब जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं क्रिकेटर्स, उनके लिए वहाँ चांसेस है कि वो कुछ, मतलब कोई ना कोई कंपनी उनको हायर कर लेती है, फिर मतलब जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको, तो उनका कम से कम घर का खर्चा या खुद का खर्चा निकल जाता है, और यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। जब आप यूपी में थे तभी आपको टाटा में, टाटा स्टील के लिए खेलने मिल गया था, या फिर मुंबई में जाके जब आप लेदर क्रिकेट ज्वाइन किए उसके बाद आपको टाटा कंपनी के लिए खेलने का मौका मिला? जी नहीं, मैं जब लखनऊ में था तो मुझे लेदर क्रिकेट का एक्चुअली बोला जाए तो ABCD क्या होता है वो भी नहीं पता था। स्ट्रगल किया, पैसे नहीं होते तो मैं वापस यूपी आता था टेनिस क्रिकेट खेलने के लिए। फिर धीरे धीरे क्लब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, फिर क्लब के बाद मैं पहले फर्स्ट ईयर में सरको करके कंपनी थी उसके लिए खेला, फिर मैं 3 साल RCF करके सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है उसके लिए खेला, फिर नलॉन के लिए खेला, और अभी 3 साल से ये 4th साल है मेरा कि मैं टाटा स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेल रहा हूँ। तो मुंबई प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में, मुंबई प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जो है MPL, वहां आपका जो है, आपका, आपके जो टीम मेंटर थे वो जाहिर खान थे। अब क्वेश्चन ये है कि जाहिर खान के साथ आपका जो एक्सपीरियंस था इस टूर्नामेंट में वो कैसा था, और वो आपके लाइफ में आने के बाद क्या क्या चीजें और ज्यादा इंप्रूव हुई क्रिकेट? जी मुंबई प्रीमियर लीग एक फर्स्ट टाइम ऐसा मुंबई में टूर्नामेंट हुआ, जैसे कर्नाटक प्रीमियर लीग, तमिलनाडु प्रीमियर लीग होता है, कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो कहीं कुछ जाके परफॉर्म कर पाए, और इसी वजह से वो टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और इतफाक ऐसा होता है कि मैंने ऑलवेज हमारे जो आप आइडियल प्लेयर बोल सकते हो, जिनको आप सोचते हो कि मैं इनको फॉलो करूँ, वो ज़हीर भाई थे, तो ज़हीर भाई इतफाक से ही हमारे मेंटोर भी थे उस टीम के हमारे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप कैसे ग्राउंड पे, आपका अप्रोच कैसे रहना चाहिए, आप ऑलवेज कैसे पॉजिटिव रहो, गेम प्लानिंग क्या होती है, किस सिचुएशन में किस टाइम पे किस बैट्समैन को क्या बॉलिंग डालनी है, तो ये सब था। और कैसे आप खुद का स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हो, बॉलिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ऑन फील्ड प्लेयर से कैसे बिहेव करना है, तो कई सारी चीजें हैं कि, और डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, ऐसा नहीं कि आप मतलब मिसबिहेव करो प्लेयर से, ऑडियंस से, तो वो सब चीजें बहुत सारी अच्छी चीजें थी। ऐसा ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत अच्छे इंसान है, तो ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिला मुझसे, उनसे, मुझको उनसे। तो आपने जो भी जहीर जी से सीखा, जहीर खान से, तो क्या वो सब बॉलिंग टिप्स आप टेनिस क्रिकेट में अप्लाई करते हैं या फिर सिर्फ लेदर क्रिकेट में ही अप्लाई करते हैं? जी ऑब्वियसली जो उनसे जो सीखा, जो ऑलवेज नेवर गिव अप वाले जो स्ट्रेटजी है, उनसे जो
मिशन में गिव अप नहीं करना, वो सीखा उनसे पॉजिटिव रहना, कितना आप 100% आप ग्राउंड पे दे सकते हैं, कितना आप पॉजिटिव रहते हैं, आपका ग्राउंड पे अप्रोच कैसा है, ये कई चीजें हैं उनसे सीखी। लेकिन अगर आप स्किल की बात करें लेदर क्रिकेट की, तो वो लेदर क्रिकेट की स्किल हम टेनिस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्रिकेट होता है लेदर बॉल और टेनिस क्रिकेट। सो जो उनसे अच्छी चीजें थी वो उनसे ली मैंने, कि जो आप कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, प्रेशर को, स्ट्रेटजीज बनाना, अच्छी बात लगी उनसे कि उन्होंने खुद से बता दिया। राइट राइट। और हाल ही में आपने 10PL टूर्नामेंट शारजा में जाकर खेली और वहां पे जीता भी आपने टूर्नामेंट को, मगर खास बात ये रही इस टूर्नामेंट की कि वहां पे पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, जो कि एक एग्जीबिशन मैच भी है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लगा था वो टूर्नामेंट खेल के और वो स्पेशली वो एग्जीबिशन मैच खेल के? जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी टीम के लिए, चाहे वो आपके गांव की टीम हो है, या आपके डिस्ट्रिक्ट की टीम हो, या आपके जिला की टीम हो, या आपके स्टेट की टीम हो, उसके लिए कैप्टनशिप करना एक अपने आप में प्राउड मोमेंट होता है। लेकिन मैं तो अपने देश के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, कंट्री को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ एक जिम्मेदारी बोल सकते हैं, ये जिम्मेदारी बोल सकते हैं कि आप कैप्टन है आप टीम के। सो और साथ में ये भी मैसेज करते थे, सेकंड मैसेज रहता था कि अंकुर भाई कुछ भी करके पाकिस्तानियों से नहीं हारना है, इनको हराना है। तो एक थोड़ा ये भी चल रहा था दिमाग में कि प्रेशर नहीं था, बचपन से हमने यही देखा। जी जी ऐसा जी, यही देखा है और यही सीखता है, सीखते आए हैं कि कैसे हैंडल करना है। जी जी हैंडल करना, तो भी प्रेशर था, लेकिन ऑलवेज हमारी तैयारी थी कि हम कैसे मतलब उस सिचुएशन, तो हमने वही सब अप्लाई किया ग्राउंड पे और रिजल्ट हमारे फेवर में आया। दोस्ताना माहौल था ग्राउंड पे, बहुत अच्छी फीलिंग आई, जैसे एक लगता है कि आप टीवी पे मैच देखते हो इंडिया पाकिस्तान का, और एक ग्राउंड पे उतर के खेलना बहुत मतलब अलग डिफरेंस था, मतलब अलग फीलिंग थी, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ कि कितना अच्छा लगा वो टूर्नामेंट, वो मैच एक्चुअली एग्जीबिशन मैच। वैसे इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 80-85 रन पे कुछ ढेर हो गई थी, तो उस समय क्या लग रहा था कि मैच हाथ में है या फिर ग्रिप से निकल चुका है? नहीं नहीं, मैच की हमारी जो स्ट्रेटजी थी, पहले ही बात हुई थी कि उनका बॉलिंग अटैक अच्छा है, तो हमने सोच के रखा था कि 10 ओवर में अगर बैटिंग आती है तो 80 प्लस रन करेंगे, तो हमारे लिए बॉलर्स उसको डिफेंड करेंगे, सेफ होगा, मतलब सेफ स्कोर बोल सकते हैं। और हमारी टीम अलाउट नहीं हुई थी, आई थिंक 6-7 विकेट गिरा था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा उस्मान ने अच्छा स्टार्ट दिया, फिर बीच में थॉमस ने बैटिंग किया, सुमित ढेकले ने अच्छा द एंड किया, तो ये था कि 80 प्लस रन हो जाएगा तो हम लोग मतलब डिफेंड करेंगे। और मैच स्टार्ट होने से पहले एक टीम मीटिंग हुई, स्ट्रेटजी ये बनी कि टॉस जीतेंगे तो फील्डिंग करेंगे, तो उसी में हमारे काफी सारे प्लेयर्स कोचेस मतलब परेशान थे कि मतलब कंफ्यूज थे आप बोल सकते हैं, कि पहले बैटिंग करते हैं कि पहले बॉलिंग करते हैं। तो एट द एंड ये डिसाइड किया था कि हम टॉस जीतेंगे तो पहले बॉलिंग करेंगे, लेकिन टॉस हम हार गए। अच्छा हुआ हमारी पहले बैटिंग आ गई, सबने बिना प्रेशर के बैटिंग किया, 80 प्लस रन 84 रन हुआ, तो हमारे दिमाग में ये था कि 84 रन है, हम थोड़ा वेरिएशन से बॉलिंग करेंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे, अच्छा अप्रोच लगाएंगे ग्राउंड पे, तो हम मैच जीतेंगे। और वैसा ही हुआ, सब बॉलर्स ने 100% अच्छा बॉलिंग डाला, फील्डिंग अच्छा किया, तो उसका हमें फायदा मिला और हमने वन साइड मैच जीता। तो अभी हम जो है अंकुर जी, हम आगे बढ़ाएंगे शो को, और शो में कुछ नियम है, तो क्वेश्चन का राउंड सिलसिला चालू होने वाला है अब, जिसमें हमने 3 राउंड रखा है, क्रिकेट राउंड, नॉन क्रिकेट राउंड और रैपिड फायर राउंड। अब क्रिकेट राउंड में जो है वो कि खासा क्रिकेट के सवाल करेंगे हम, नॉन क्रिकेट राउंड में आपके पैशन, आपके हॉबीज, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, और रैपिड फायर राउंड में हम डायरेक्टली जो है कोई भी सवाल फेंकेंगे, ऑप्शन रहेगा नहीं रहेगा आपके माथे में, जो भी पहला आंसर आएगा आप दे दोगे। तो क्रिकेट राउंड जो है उसको स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले क्या आपको मराठी आती है? नहीं, मराठी लैंग्वेज मुझे समझ में सब आती है, और मराठी अगर बोला जाए तो मराठी मुझे कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं, मतलब ज्यादातर अच्छा, बुरे वर्ड्स ही आते हैं, क्योंकि एक पकड़ लीजिए, अगर मैं बोलूं कि अगर जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि शो को शुरू किया जाए, अब बंगला में हम कहते हैं शो शुरू करा जाक, मराठी में इसको क्या कहेंगे? नहीं, मराठी में इसको क्या कहेंगे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे यूपी में क्या कहेंगे ये मुझे पता है कि हमारे भोजपुरी लैंग्वेज में वो क्या, भोजपुरी भी चलेगा, इस शो का स्टार्ट करा जाए या शुरुआत करा जाए, तो भोजपुरी में बोल सकता हूँ, मराठी में स्टार्ट करा जाए, हाँ करा जाए। तो शुरू करते हैं राउंड। जी जी, तो पहला जो सवाल क्रिकेट राउंड का रहेगा वही सवाल है, सीरियस सवाल,
अभी आप इस पे ज्यादा चर्चा कर सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन लेदर बॉल क्रिकेट एंड टेनिस क्रिकेट जी, डिफरेंस अब बहुत जमीन आसमान का अंतर है जैसे क्रिकेट के वाइज बात करें, क्योंकि जो एक लेदर क्रिकेट जो क्रिकेटर होता है वो एक अच्छे लेवल पे खेलने के बाद सेटल होता है या आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो उसकी फ्यूचर है कि मतलब जॉब फिक्स है, लेकिन आप शॉर्ट बहुत डिफरेंस है क्योंकि लेदर क्रिकेट वो जनरली लॉन्ग टर्म क्रिकेट होता है, मतलब आप देखा जाए तो फ्यूचर वाइज लॉन्ग टर्म तक है, और जो है टेनिस क्रिकेट अभी फिलहाल डेवलप हो रहा है तो आई थिंक कि आगे चल के उसमें फ्यूचर रहेगा, फ्यूचर है क्योंकि अभी इतना सब लोग उसको फोकस कर रहे हैं, सब इन्वॉल्व लोग हैं, सब ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अच्छा फ्यूचर है मुझे दिख रहा है उसका। डिफरेंस ये है कि शॉर्ट टर्म क्रिकेट है टेनिस क्रिकेट, 6 ओवर का मैच है, क्रेज ज्यादा होता है, तुरंत जो आप बोल सकते हैं तुरंत पैसा मिलता है उसमें आप जीतोगे और तुरंत नेम फेम होता है। इवन ऐसा है कि जो लेदर प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स आप छोड़ दीजिए, जो डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहे हैं उनको उनके स्टेट के अलावा कोई नहीं जानता, आई थिंक कई ऐसे प्लेयर्स हैं मैं देखा हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ, तो और जो टेनिस प्लेयर्स हैं अच्छे प्लेयर्स उनको ऑल ओवर वर्ल्ड पहचानते हैं, उनको आप देखते रहेंगे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पे कितने फॉलोवर्स हैं, तो सब उनको फॉलो करते हैं। तो ये डिफरेंस है कि अगर आप इंटरनेशनल या अच्छा लेवल नहीं खेल रहे हो लेदर क्रिकेट में तो आपको उतनी पब्लिक नहीं पहचानती है, मतलब आपके स्टेट तक ही पहचान सकते हैं इवन आप रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हो तो। और यहाँ पे क्या आप अच्छे प्लेयर हो, अच्छा कर रहे हो, अभी यूट्यूब आ गया है, सब हाईलाइट होता है, सब लोग फॉलो करते हैं कि मतलब किसने कहा परफॉर्मेंस किया, तो एक अच्छी चीज है कि मतलब सब फैन फॉलोइंग ज्यादा है टेनिस क्रिकेट की। और अगर टेक्निकल लेवल पे कहूँ, टेक्निकल लेवल पे जाए कि अगर एक टेनिस बॉल और लेदर बॉल में डिफरेंस कितना होता है, जब ग्राउंड में बॉल होता है कितने डिफरेंसेस है? नहीं ऑब्वियसली डिफरेंस तो होता है लेदर बॉल टेनिस क्रिकेट में, कि टेनिस बॉल तो आप मेरे हिसाब से स्विंग नहीं होती है, सब लोग बोलते हैं कि स्विंग कैसे होती है, स्विंग हो नहीं सकती, स्विंग नहीं होती, हाँ स्विंग नहीं होती है बॉल, आप एंगल कर सकते हैं कि आपने क्रीज का यूज किया तो बॉल उससे एंगल से एंगल अंदर आ सकती है, हाँ एंगल लोके एंगल से अंदर आएगी या बाहर जाएगी, या आप कटर्स का यूज कर सकते हो, और लेदर बॉल में आप एंगल के साथ साथ अगर आपके पास स्किल है आप स्विंग भी कर सकते हो, इन स्विंग आउट स्विंग रिवर्स के ऊपर डिपेंड कर, हाँ रिवर्स है, ग्रिप के ऊपर है, तो वो डिफरेंस है। मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला कि टेनिस बॉल स्विंग कैसे होती है, तो मैं उनको यही क्लिक मतलब क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बॉल टेनिस बॉल स्विंग नहीं होती है, स्विंग का ऑप्शन नहीं है, इवन अगर हल्का बॉल नहीं है जैसे बहुत हल्का बॉल रहता है तो आप डालेंगे तो एयर में थोड़ा वो एयर घूम गया, हाँ लेकिन अगर हैवी बॉल है तो वो सिर्फ एंगल करती है कि मतलब बॉल एंगल से अंदर आ रहा है या आप बाहर से तो एंगल से बाहर जा रहा है, तो ये डिफरेंस है कि जो लेदर बॉल हो सकती है रिवर्स स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग वो टेनिस बॉल नहीं हो सकती। आपका दूसरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में टेनिस क्रिकेट बहुत ही छाया हुआ है, तो और महाराष्ट्र के बाद अगर देखा जाए तो बंगाल में भी होता है, ये गुजरात में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, तो डिफरेंसेस क्या है बंगाल टेनिस क्रिकेट और महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में? जी आप सबका अपना अपना अलग जगह अपना अपना अलग क्रेज है, अपना अपना स्टेट में अलग अलग क्रिकेट है, जैसे अभी बंगाल क्रिकेट की बात करें तो मैं वहाँ को बैट्समैन अगर बंगाल क्रिकेट में अगर आप टीम सेलेक्ट करेंगे तो मैं बंगाल के जो बैट्समैन है वहाँ के क्रिकेटर्स वहाँ के टूर्नामेंट के लिए वहाँ के मैच के लिए मैं वहाँ के बैट्समैन को प्रीफर करूंगा। आप बॉलर ला सकते हैं अच्छे बॉलर, आपको बॉलर अच्छे रहेंगे वो कहीं भी चलेंगे, चाहे वो बंगाल में हो या ऑल ओवर इंडिया कहीं मैचेस में, लेकिन अगर जिस एरिया में टूर्नामेंट हो रहा है तो मैं वहाँ के प्लेयर प्रीफर करेंगे क्योंकि वो हैबिचुअल होते हैं कि वो बाउंड्री एडजस्ट करते हैं, वहाँ की बॉल अलग होती है, वहाँ की सिचुएशन को अडॉप्ट करते हैं कि किस हिसाब से खेलना है, कि मतलब कौन सी बाउंड्री किधर जाएगी, ऐसी महाराष्ट्र के लिए कि वहाँ क्रिकेट का इतना क्रेज है, आप इवन जो भी बड़े टूर्नामेंट्स देखते होंगे आप तो वहाँ पे ज्यादातर महाराष्ट्र के प्लेयर्स रहते हैं क्योंकि वहाँ इतना हाईलाइट मतलब यूट्यूब है और इतने हाईलाइट होते हैं, परफॉर्म करते हैं, फाइनेंसर देखते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनको और टूर्नामेंट्स बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ क्रिकेट दिन भर चलता रहता है, ऐसा नहीं कि बारिश आ गई तो क्रिकेट बंद। और महाराष्ट्र बंगाल का ये है कि बंगाल में 3 या 4 महीने आई थिंक 4 या 5 महीने क्रिकेट होता है, फिर उसके बाद बारिश में सीजन है आप बोल सकते हो, तो ये डिफरेंस है। और मैंने पहले भी मेरा हुआ इंटरव्यू तो मैंने इंटरव्यू के माध्यम से ये बोला लोगों को कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि आप थोड़ा बाहर निकले क्रिकेट के लिए, अगर आपको कोई बुलाता है अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप बंगाल से निकल के थोड़ा आप खेलें और थोड़ा अगर ऑल ओवर इंडिया नाम कमाएं तो अच्छा लगेगा आपको भी और बंगाल के लोगों को भी, आप लोग के ऊपर प्राउड फील होगा कि नहीं हमारे यहाँ का हमारे शेड कोई प्लेयर इतना आगे गया है, जैसा कि अभी सरोज गया, सरोज ने खेला अभी रिप्रेजेंट किया उसने इंडिया को, टेनकेल ने भी अच्छा बॉलिंग डाला उसने और टेनकेल में बेस्ट बॉलर भी लिया उसने, तो एक अलग ही फीलिंग होती है कि आप अगर कहीं किसी बाहर स्टेट से खेल के आओ या कोई बाहर का टूर्नामेंट खेल के आओ तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है कि आप लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ,
और आप किसी अगर एरिया में खेलते रहोगे या किसी स्टेट में ही खेलते रहोगे तो आप स्टेट में तो नाम अच्छा कमाओगे लेकिन फिर आप बाहर वो क्रेज नहीं रहेगा या बाहर खेलने का। जी हाँ जी जी तो ये डिफरेंस है। तो तीसरा सवाल जो रहेगा, अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, एक क्विज है आपके लिए, विजुअल क्विज है, एक इमेज आने वाला है, आपको चार ऑप्शन भी दिए जाएंगे और आपको पहचानना है, गेस द प्लेयर, इस तरीके का। तो साथ ही मैं कह देना चाहता हूँ, दर्शक लोगों को भी कह देना चाहता हूँ कि वो लोग भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप लोग जो है कमेंट करके बताओ, दर्शक लोग, आपको भी इमेज दिखेगा स्क्रीन पे, आप भी बताओ, अंकुर जी भी बताएंगे, देखते हैं बता पाते कि नहीं। गेस द टेनिस क्रिकेटर, ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्लू शर्मा डायरेक्ट आपने आंसर नहीं है। तो आपने टिल्लू शर्मा के साथ खेला हुआ है तो आप बताएंगे टिल्लू शर्मा और के बारे में कुछ बताएं आप, कैसा बाकी किस तरह के प्लेयर हैं और उनका दहशत कैसा है टेनिस क्रिकेट जगत में। जी ऑब्वियसली जब भी मैंने बंगाल क्रिकेट का नाम सुना, ये नहीं कि आज के 7-8 साल पहले भी मैंने, अगर मैं यूपी में था मैंने जब नाम सुना तो टिल्लू शर्मा का ही नाम सुना बंगाल क्रिकेट में, किसी ने भी अगर मतलब बात हुई तो पहले टिल्लू शर्मा की हुई। तो नाम ऐसे कोई नहीं कमाता है, उसके पीछे उसकी मेहनत रहता है, वो रहता है, उसका स्ट्रगल रहता है कि उसने कितना परफॉर्मेंस किया होगा, कई ऐसे मैच होंगे जो हारा वो मैच निकाला रहेगा, 100 बैटिंग किया होगा, 100 बॉलिंग किया रहेगा। तो उनके साथ कई मैचेस मैंने खेले हैं, टूर्नामेंट के मैचेस भी खेले हैं, तो बहुत ही अच्छे इंसान है, ऑलवेज क्रिकेट को डेडिकेटेड रहते हैं, उनका फोकस पूरा क्रिकेट पे रहता है, किसी भी सिचुएशन में चाहते हैं कि मैच जीते, ये एक फाइटर बोल सकते हैं, मतलब फाइटर क्रिकेटर हैं, तो ये एक अच्छी चीज है और लेजेंड है बंगाल टेनिस क्रिकेट के लिए। टेनपीएल टूर्नामेंट जीतने के बाद आपका जो एक्साइटमेंट था और खुशी थी वो ज्यादा बड़ा था या फिर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उस मैच को जीतने का अनुभव ज्यादा अच्छा था? नहीं अब दोनों का अलग अलग वो था, अलग अलग क्रेज था। इंडिया पाकिस्तान मैच का ऑब्वियसली ज्यादा वो था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और हम जीते वो मोमेंट पे। लेकिन उसमें थोड़ा मैं अगर कंपेयर करूँ तो मुझे जो हम लोग फाइनल जीते उसमें थोड़ा ज्यादा मजा आया। उसका रीजन ये था कि हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो तो वन साइड हो गया था, उसमें ऐसा नहीं था कि मैच कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो और हम ऐसा कि मतलब फाइट करके जीते हैं या हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी हो या मैच क्लोज हुआ हो। तो ऑब्वियसली देश के लिए जीतना तो प्राउड मोमेंट है ही, हम जीते खुश थे, लेकिन जो हमने जो 10PL का फाइनल जीता वो हमारे ओनर थे अमित भाई, उनका ड्रीम था काफी साल से, वो 4-5 साल से टीम बना रहे थे, अलग अलग प्लेयर्स, अलग अलग जिस टीम का नाम सुन रहे थे वो प्लेयर्स ला रहे थे, वो जीत नहीं रहे थे बेचारे। इस बार उन्होंने हम पे रायगढ़ पे ट्रस्ट किया, रायगढ़ टीम पे, और हम लोग गए, हम जीते फाइनल और हमारा स्कोर भी नहीं हुआ था, 10 ओवर में कुछ 60 या 65 रन ऐसे कुछ हुआ था, तो वहां से वो ग्राउंड पे 10 ओवर में 65 या 70 रन डिफेंड करना बहुत बड़ी बात है। तो वो मैच जीतने का अलग ही क्रेज था, मतलब जो माहौल था कि एक होता है कि हारा वो मैच ले आना, तो वो अलग फीलिंग थी। तो पांचवा सवाल, फिर से हम विजुअल एक पजल पे जा रहे हैं, सेम फॉर द ऑडियंस, जो देखेंगे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। गेस द इंटरनेशनल क्रिकेटर, वेन पार्नल, हाशिम आमला, फरहान बहारदीन या मोइन अली? वेन पार्नल। इसमें आप थोड़ा गलत हो गए, ये हाशिम आमला है। हाँ यस, हाशिम आमला है। ये यंग डेज का, जब वो अंडर 19 खेल रहे थे तब की है। ओके थोड़ा बहुत उनका मुंह मोइन अली एंड नियर अबाउट, मैं तो ऑलवेज उनको दाढ़ी में देखा है, अंडर 19 में तो देखा ही नहीं। अंडर 19 में हमने भी नहीं देखा था उनको खेलते हुए। अब क्या है कि क्वेश्चन सवाल मिलते रहते हैं तो देखते रहते हैं। नहीं नहीं सही है। आपके लिए एक और सवाल है कि जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्मेट है आईसीसी का, एक बहुत सीरियस सवाल है जो आदित्य पूछ रहा है। जी आईसीसी का जो एक नियम है कि हर मैच में टीम में 5 गेंदबाज करना ही पड़ेगा, मतलब 5 बॉलर्स होने चाहिए। अब वो 3 बॉलर हो, 2 ऑलराउंडर हो या 4 गेंदबाज हो, 1 ऑलराउंडर हो, मतलब जो कोटा है 20 ओवर हो या 50 ओवर हो, इवन 6 ओवर का भी, जो हमने आईपीएल में कभी कभार बारिश के वजह जब होती है मैच तो हमने देखा कि जब 6 ओवर का भी होता है तो उसमें 5 गेंदबाज करने ही पड़ते हैं, कोई 2 ओवर बाकी सब 1-1 ओवर। तो ये नियम जो है क्या टेनिस क्रिकेट में भी
लागू करना चाहिए या टेनिस क्रिकेट में जैसे चार गेंदबाज के जरिए खेलते हैं वही रहना चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो ऑलवेज फेवर में हूँ कि अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं या करा रहे हैं तो जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो जो भी अच्छे टूर्नामेंट होंगे या जो आप देखते होंगे जो बहुत बड़े टूर्नामेंट होते हैं अच्छे, अगर बंगाल में आई थिंक शायद चार ही बॉलर लगते हैं लेकिन और कई के टूर्नामेंट में भी पांच बॉलर लगते हैं, मैंने देखा है बंगाल में भी कोई कोई टूर्नामेंट्स में। और जो आप ज्यादातर बाहर जो टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे महाराष्ट्र में देख लीजिए या फिर उसके बाहर आउट ऑफ इंडिया होते हैं तो वहाँ पांच बॉलर ही लगते हैं। तो ऑलवेज पांच बॉलर से ही आपको मालूम चलता है कि आपकी टीम का स्किल क्या है और प्लेयर्स कैसे हैं, और एक ऑप्शन बढ़ता है कि आपको ऑलराउंडर लेके खेलना है तो एक अच्छी चीज है कि और भी चांसेस मिलते हैं बॉलर्स को, वरना चार बॉलर है तो बेचारा और बॉलर पड़े पड़े ही बेकार हो जाता है, खिलाते नहीं उसको। और पांच गेंदबाज होने से मेरे ख्याल से मौका भी सभी को मिलता है, बेंच में जो कोई एक ऑलराउंडर बैठे रहते हैं या फिर कोई प्लेयर बैठा रहता है जिसको मौका नहीं मिलता है तो उसे भी मौका मिल सकता है, क्योंकि पांच प्लेयर खेलना है बॉलर तो एक बैट्समैन घट जाएगा तो वहां पे एक बॉलर इंक्लूड होगा। मैंने आपसे वही बोला कि एक ऑलराउंडर बढ़ा के खेलता है फिर आदमी, एक या दो ऑलराउंडर बढ़ा के। तो अभी बढ़ेंगे दूसरा जो राउंड है हमारा नॉन क्रिकेट राउंड। अब क्रिकेट भूल जाइए, क्रिकेट खत्म जी। अब क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं नॉन क्रिकेट राउंड, आपके सारे पैशन इन सब चीजों के बारे में, हॉबीज के बारे में बात करेंगे। राउंड को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने पे पहला सवाल जो रहेगा, ऑफ टाइम पकड़ लीजिए आपका, फ्री टाइम है जी, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करेंगे? कि दोस्तों के साथ आउटिंग में जाना पसंद करेंगे या फिर फैमिली के साथ घर में वक्त बिताना पसंद करेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं आउटिंग तो मुझे उतना पसंद नहीं है, इवन जब मैं टूर पे रहता हूँ तो भी मैं इतना बाहर घूमता घूमता नहीं हूँ। तो मैं इसमें तो फर्स्ट वाला ही वो करूंगा कि अगर मुझे टाइम मिलेगा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का तो फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे आउटिंग का इतना शौक नहीं है कि मैं बाहर घूमूं या मुझे ऐसा मतलब फीलिंग मतलब मजा नहीं आता, ऐसा नहीं मुझे अंदर से खराब लगता है लेकिन मुझे फैमिली के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। जी जी जी, ऐसे आउटिंग तो होते रहती है 12 महीना आपकी, कभी यहाँ कभी उस स्टेट में, कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान, वो तो होते रहती है। जी जी, घर में जितना टाइम मिल जाए वो अच्छा मोमेंट रहता है। जी। आपका अगला सवाल, अगर अंकुर सिंह क्रिकेटर नहीं होते तो हम उन्हें कौन से फील्ड में देख पाते? जी, ये सवाल का तो जवाब मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने कभी लाइफ में से सोचा ही नहीं कि मैं क्रिकेट ना खेलूं या क्रिकेट छोड़ दूं तो मैं कुछ और करूं, तो ये तो आपका सवाल है लेकिन मेरे हिसाब से सवाल बनता नहीं, क्योंकि मैंने कैसे कुछ सोचा नहीं। इवन मैं अभी भी सोचता हूं कि दिमाग कभी आता है कि मैं क्रिकेट छोड़ूं तो क्या करूंगा, सोचता हूँ कि अगर आया मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो कोई ऑप्शन तो समझ में नहीं आता है कोई, हाँ कोई वजूद ही नहीं है कि मैं अगर मैं क्रिकेट से दूर रहा या बिना क्रिकेट के मैं हूँ तो फिर अंकुर का कोई वजूद ही नहीं है, या लोग मुझे पहचानते ही नहीं, या मुझे जो भी नेम फेम मिला या आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं तो क्रिकेट की वजह से ही हो रहे हैं। एक बात पूछना था, वैसे तो यूपी में हम सबको पता है कि हर घर में एक इंस्पेक्टर होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, एक पॉलिटिशियन होता है, तो अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट अगर आपको इन तीनों में से ज्वाइन करना पड़ता तो क्या ज्वाइन करते? नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे खानदान में एक मैं ही क्रिकेटर हूं, ठीक है, बाकी और सब है मतलब हमारे नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना कि चाचा आईएएस है हमारा, आईपीएस है हमारा। नहीं तो ऐसा था कि बचपन में था क्रेज कि मुझे मतलब इंस्पेक्टर बनने का, ऐसे छोटा था तो बोलता रहता था लेकिन जब होश संभाला तो कभी ऐसा सोचा नहीं, बचपन में खाली बोलता था कि दरोगा बनूंगा। अच्छा, तो तीसरा सवाल आपका रहेगा कि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, और पसंद है तो किस टाइप के म्यूजिक, किस तरीके के? मुझे म्यूजिक मैं सुनता हूँ, और ऐसे गाने थोड़ा रोमांटिक गाने रहे तो मुझे पसंद है, या फिर एक्सरसाइज करते वक्त मुझे थोड़ा डीजे टाइप गाने रहे मुझे। अच्छा। ऐसे सॉन्ग पसंद है कि हाँ, और वो नॉर्मली अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो मैं थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ और गुनगुनाता भी रहता हूँ, गाने की भी कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। कोई अगर सिंगर में कौन पसंद है? सिंगर कोई सिंगर में कौन पसंद है? कुमार सानू, सोनू निगम, अभी अरिजीत सिंह आए हैं। अरिजीत सिंह पसंद है ऑब्वियसली, फिर राहत फतेह अली खान साहब, ये दो लोग का गाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, और अपने आतिफ असलम। अच्छा, और मुंबई में जब आए हैं, मुंबई में तो नया कल्चर आया है कि क्या कहते हैं उसको, बंटा, एमी में बंटा, डिवाइन, ये सारे चीजें, रैप चलता है। जी जी, राइट राइट,
रैप अगर देखा जाए तो मैं एमयू वनटाई का भी गाना सुनता हूँ। हाँ सुनता हूँ, एक आध दो गाना सुनता हूँ एमयू वनटाई का भी। और हमारे जो भाई लोग हैं वो तो पूरा उसने जो मचाएंगे करके गाना था वो पूरा उसने रट रखा है। भाई ये चाचा का लड़का है, हाँ बचाए, वो पूरा छोटा सा पूरा उसने गाना वो रट रखा है कि एमयू वनटाई को मचाएंगे करके, एक एक रैप उसको याद है। तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस क्या है, मगर अगर आपको फ्री टाइम में कहीं घूमने जाना पसंद हो तो कौन सा जगह? ड्रीम प्लेस, ड्रीम ड्रीम प्लेस। ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं बताया, क्योंकि मुझे उतना घूमने का क्रेज नहीं है कि मुझे ऐसा कुछ सोचा हो। लेकिन हाँ ये मैंने सोचा है कि अगर मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो ठंडे प्लेस पे जाना पसंद करूंगा, मसूरी वगैरह या शिमला वगैरह ऐसी जगह पे, ठंडी जगह पे। मतलब ठंडा जगह आपको ज्यादा प्रेफर करते हो? बीच बीच नहीं, बीच तो रेगुलर हो गया आपके लिए? नहीं बीच तो आदत हो गई है अभी रेगुलर, बीच पे तो मैं नजर ही नहीं आता क्या करेंगे बीच पे ना। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मतलब बंगाल में हम बीच मिल जाए तो मजा आ जाता है, आप तो रेगुलर हो, आपके लिए रेगुलर हो गए। तो अब पांचवा सवाल जो है, फिर से हम जाएंगे विजुअल क्विज है आपके लिए, नॉन क्रिकेट में विजुअल क्विज, एक बॉलीवुड पे सवाल रहेगा, सेम फॉर ऑडियंस जो देख रहे हैं आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। इस मूवी को पहचानिए, शहंशाह। और साथ ही साथ ही इस मूवी में एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग था, वो अगर आपके मुंह से सुन पाए हम। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं मगर नाम है शहंशाह। तो अभी हम बढ़ेंगे तीसरे राउंड पे जो कि है रैपिड फायर राउंड। अब रैपिड फायर राउंड में क्या है कि आपसे हम कभी ऑप्शन देंगे, दो ऑप्शन दे दिए आपको ले लेना है, या फिर आप अगर कोई ऑप्शन ना दे तो आप डायरेक्टली जो भी आपके माइंड में आए फर्स्ट वही बोल दीजिए, वो बोल देना। तो रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल रहेगा कि लोकल ट्रेन में तो चढ़े हैं, ट्रैवलिंग इन लोकल ट्रेन इन मुंबई कि हमारे यहाँ बंगाल में, कहाँ पसंद है? ऑब्वियसली बंगाल में पसंद है, वहाँ थोड़ा मैं एक दो बार ट्रेवल किया हूँ तो वहाँ थोड़ा कंपेयरिंग में भीड़ कम रहती है बंगाल की ट्रेन में, तो बंगाल की ट्रेन में प्रेफर करूंगा। कभी ऐसा हुआ है मतलब? अच्छा, यूपी से जब आप पहले गए थे मुंबई, ऐसा कभी हुआ है कि सेकंड क्लास में चढ़ना था फर्स्ट क्लास में चढ़ गए गलती से? जो कि डिफरेंस है, उसमें फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ऐसा कोई कंपार्टमेंट नहीं होता है हमारे यहाँ। यहाँ लेडीज और जेंट्स का एक लेडीज और जनरल होता है, मगर मुंबई में पहली बार देखा था, मुंबई में हुआ है मुझसे कई बार ऐसा, जब स्टार्टिंग में नया नया गया था तो मैं सेकंड क्लास का फर्स्ट क्लास में बैठ गया। सवाल इसीलिए था कि पहली बार जब हम मुंबई गए हम दोनों टीसी आ गया था। अच्छा, नहीं मैं तो बच गया था, टीसी नहीं आया था, बाद में मालूम चला कि ये फर्स्ट क्लास। मतलब हमें देख के हम तो ओरिजिनली मुंबई के जो आदमी होते हैं वो तो रेगुलर है, अब हमें देख के वो समझ गए कि कहाँ से आए, हमने कलकत्ता कलकत्ता बोलते वो है वहां जाओ वहां जाओ। अच्छा अच्छा, तो दूसरा सवाल, फ्री टाइम में क्या करना पसंद है आपको, जिम या फिर कुकिंग? मैं एक्चुअली कुकिंग भी करता हूँ, लेकिन जैसे जिम का ऐसे फ्री टाइम में तो मैं मतलब कुकिंग प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं कुकिंग अगर फ्री टाइम है तो मुझे खाना बनाना पसंद है, मैं खाना बनाता रहता हूँ, ऐसी चीजें सीखते भी रहता हूँ। और ऐसा फ्री टाइम में वर्कआउट नहीं करता हूँ मैं ऑलवेज वर्कआउट, मतलब वर्कआउट का मेरा टाइम शेड्यूल है कि इस टाइम में मुझे करना है तो मैं कोशिश करता हूँ उसी टाइम पे करूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हूँ तो मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। हाँ यस, तो मैं वैसे हमने देखा आपको कुकिंग करते देखा है, चॉकलेट बनाते हैं। अच्छा, कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। इसी पे कंटिन्यूड सवाल जो रहेगा वो है कि नाश्ते में आपको क्या पसंद रहेगा, क्योंकि कुकिंग पे सवाल चल रहा है, पाव भाजी, वड़ा पाव या लिट्टी चोखा? जी पाव भाजी वड़ा पाव तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी बॉडी के लिए सही नहीं है, लिट्टी चोखा एक बार खा सकता हूँ मैं तो, और गाँव में हो तो लिट्टी चोखा तो मुझे खाने का मन भी कर दिया, आज बनवाना भी पड़ेगा लगता है। मतलब आप यूपी से भी महाराष्ट्र चले गए मगर लिट्टी का जो शौक है वो अभी भी आपके अंदर है, वो नहीं भूले आप अभी भी। चौथे सवाल पे जाते हैं, आपने रत्नागिरी चैंपियंस टूर्नामेंट जो है आपकी वहाँ महाराष्ट्र वो भी जीता हुआ है, एनपीएल भी हाल ही में जीता,
एसपीएल जो गोवा में होती है वो भी आपने जीता है, और बंगाल की राजनंदिनी जो सबसे बड़ी टूर्नामेंट है वो भी जीता है, तो सबसे ज्यादा खुशी कौन सी टूर्नामेंट जीत के हुई थी आपको? जी सब आदित्य भाई, सब जगह का टूर्नामेंट का अपना अलग अलग क्रेज है। जैसे मैं राजनंदिनी जीता तो वो भी अच्छी फीलिंग थी कि वो वहां पे आके किसी नए प्लेयर के लिए, नए मतलब एज अ कैप्टन, बंगाल में शायद मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था वो आई थिंक, तो वो पीएलबी के कैप्टन थे आप। हाँ, पीएलबी का कैप्टन था, तो एक अलग प्राउड मोमेंट होता है कि आप अपने स्टेट में जीत रहे हो, तो वो क्रेज नहीं रहता है कि मैं अपने महाराष्ट्र में जीत रहा हूँ, मैं अलग स्टेट में आकर मैंने कैप्टनशिप करी है और हमारी टीम जीती, और हमारे महाराष्ट्र के प्लेयर भी नहीं थे, महाराष्ट्र का प्लेयर देखा जाए तो मैं और विश्वजीत ठाकुर ही थे, बाकी सब यहीं के प्लेयर थे, बंगाल के, भूटान वगैरह सब थे, तो एक अच्छा मोमेंट था वो राजनंदिनी कप जीतना, वो पब्लिक देख के, वो ऑडियंस देख के, वहाँ का सपोर्ट देख के, वो मतलब अरेंजमेंट देख के वहाँ पर, मतलब किस हिसाब से वो टूर्नामेंट कराया है, तो एक अलग ही मजा था, और सबका अलग अलग क्रेज था। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी दो बार जीते बैक टू बैक, तो वहाँ का भी अलग माहौल था, अलग सपोर्टिव थे स्टाफ और पब्लिक वहाँ पे, और फिर 10PL जीता तो 10PL का भी अलग था, मैं फर्स्ट टाइम 10PL खेलने गया और मैं जीता, तो सब जगह का अलग अलग माहौल होता है। लेकिन अगर आप किसी अलग स्टेट के लिए खेलने जाएं और वहाँ पे आप अलग स्टेट में खेले और वहाँ जीते, तो एक अलग ही फीलिंग रहती है कि आप किसी अदर स्टेट में आके आप जीत रहे हैं। आप तो कैप्टेंसी हर जगह करते हो, रायगढ़ को भी, आपने रायगढ़ टीम की भी कैप्टेंसी की, यहाँ पीएलवी की कर रहे हैं, और इंडिया के भी, इंडिया के लिए भी आपने कैप्टेंसी की, और 10PL में एक और टीम थी जिसके लिए आपने कैप्टेंसी की, तो माहौल कैसा रहता है? मतलब हर जगह तो प्लेयर एक नहीं रहते हैं, तो सब प्लेयर के साथ एकत्रित होके टीम यूनिटी बनाना, ये थोड़ा हमें बताएंगे दर्शक लोग को कि किस तरह से यूनिटी बनाते हैं आप, क्या स्ट्रेटेजी रहती है? स्ट्रेटजी यही रहती है कि हम जब भी बात करते हैं तो ऑलवेज मतलब पॉजिटिव बातें ही करते हैं, एक दूसरे का जो भी व्यू है लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कैप्टन हूं तो सिर्फ मैं अपनी करूंगा, तो मैं सबसे व्यू लेता हूं, जो भी टीम मेट्स हैं, मुझे लगता है जो सीनियर प्लेयर्स हैं या जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको सिचुएशन में क्या लगता है, लेकिन मैं सिर्फ व्यू सिर्फ ऑन फील्ड जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका ही लेता हूं, जो बाहर बैठे हैं या जो डगआउट में है या जो बाहर बैठ के देख रहे हैं, मैं उनका व्यू कभी नहीं लेता कि वो कुछ कमेंट दे रहे हैं कि इसको दे दो बॉलिंग या इसको करवा दो बैटिंग, कभी नहीं लिया मैंने। तो आपका अगर आप पॉजिटिव अप्रोच है आपका कि आप अच्छे से प्लेयर से आप बात कर रहे हैं, अच्छे से उसको आप हैंडल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर आपसे मिसबिहेव करेगा। तो मेरा वही एटीट्यूड रहता है कि हम जितना हो सके प्लेयर को उसको मतलब कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करता हूं कि उससे मतलब ऐसा फील ना हो कि वो बाहर का प्लेयर है या बाहर से आया है या उसे ये लग रहा है कि मैं अलग टीम में खेल रहा हूं। सो यही हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है कि जो हमारे इंडिया टीम के लिए मैंने कैप्टनशिप करी, फ्रेंड्स कुवैत के लिए किया 10PL में, पीएलबी के लिए भी किया, तो एक अच्छा मतलब बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, सब प्लेयर्स को लगता ही नहीं कि मैं बाहर किसी टीम में, नई टीम में खेलने आया हूँ, तो अगर प्लेयर अगर फ्रीली माइंड होकर खेल रहा है टीम के लिए तो ऑब्वियसली वो अच्छा करेगा, हर प्लेयर का वो थोड़ा सा भी हेजिटेट है या उसको लग रहा है कि मैं बड़ी टीम में आया, हाँ, तो फिर वो अच्छी, वो मैं कोशिश करता हूँ कि प्लेयर को मतलब कम्फर्ट जोन में लाने के लिए। अच्छा, तो पांचवा सवाल जो रहेगा फिर हम भरेंगे विजुअल राउंड में, देखिए हर बार मैं ही विजुअल राउंड आपको दे रहा हूँ, तो विजुअल राउंड का ही सवाल रहेगा, दर्शक लोग के लिए भी सेम, आप आओ कमेंट करो। गेस द क्रिकेट ग्राउंड, डीसीएल है, राजनंदिनी है, केएमपीएल है, नंदनी के, मुझको तो राजनंदिनी का भी लग रहा है। सही जवाब। आखिरी सवाल आपके लिए ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका फेवरेट ऑलराउंडर फ्रॉम पास्ट या करेंट कोई भी कौन है, ऑल टाइम फेवरेट ऑलराउंडर आपका कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट में? जी मेरे लिए अगर ऑल टाइम फेवरेट ऑलराउंडर की बात करेंगे तो जैक कालिस था और मतलब है भी, क्योंकि वो उसने जिस एज में मतलब उसने क्रिकेट छोड़ा उस एज में भी वो 140 प्लस बॉलिंग डाल रहे थे, ऐसा नहीं कि मतलब आई थिंक नियर अबाउट 40 के आसपास उन्होंने क्रिकेट छोड़ा समथिंग, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने मतलब क्रिकेट उनका खत्म हो गया हो या वो बैटिंग नहीं कर पा रहे हो या बॉलिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो मेरे लिए ऑलवेज ऑल टाइम फेवरेट जैक कालिस ही थे, मतलब उनसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बैटिंग उनसे करा लो आप, उनसे बॉलिंग करा लो, तो एक अच्छी चीज थी। तो इसी के साथ जो है राउंड्स का सिलसिला खत्म होता है, हम जानेंगे अभी आपसे फीडबैक कि कैसा लगा टोटल शो।
बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से सुपर हिट शो है ये, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं कि कुछ चीजें लाने की कोशिश करते हैं भाई। जी जी नई नई चीज़, हाँ कोशिश कर रहे हैं आप लोग लाने की। और ये एक अच्छी चीज है कि आप सिर्फ बंगाल के होके, ऐसा नहीं सिर्फ आप बंगाली क्रिकेट का प्लेयर्स का या क्रिकेटर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं जितने हो सके प्लेयर्स का आप इंटरव्यू लें। ये एक अच्छी चीज है कि हर जगह क्रिकेट अलग है, डिफरेंस मतलब क्रिकेट के बीच जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, ग्राउंड अलग है, सिचुएशन अलग है, तो सबका आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हो सकता हो हमारे बंगाल के प्लेयर्स, ऑल इंडिया प्लेयर्स और मोटिवेट हों और अच्छा इन्फॉर्मेशन उनके पास मतलब गैदरिंग करेंगे, हो सकता है उनका क्रिकेट और डेवलप हो और वो अच्छा क्रिकेट खेले। जी जी तो इसी के साथ जो है एवरी टाइम अगर हम ये शो पकड़ लीजिए, ये शो अगर हम ऑफलाइन करते पकड़ लीजिए साथ बैठ के, तो worldcricket.com हमारी तरफ से, worldcricket.com की तरफ से आपके लिए गिफ्ट रहता। जी जी क्योंकि हम इतने दूर बैठे हुए हैं, ऑप्शन है बहुत लेस, पर हमने कुछ बना है आपके लिए तो वो हम पेश करेंगे आपके लिए। तो आदित्य पेश करो, ये रहा वी लव मुंबई टेनिस क्रिकेट की शान और बंगाल टेनिस क्रिकेट की जान अंकुर सिंह। थैंक यू थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो अंकुर जी जाने से पहले अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें कुछ मैसेज कि लॉकडाउन भी है अभी? फैंस के लिए एक सिंपल सा मैसेज है कि मतलब मैसेज है कि अभी अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जितना टाइम हो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, बोर मत होइए, उसको एंजॉय करिए, जितना हो सके टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं खुद के लिए, खुद के बारे में सोचिए कि आपका क्रिकेट, आपका करियर, आपकी फिटनेस कैसे इंप्रूव हो सकती है, जो चीज आपको नहीं आती है उसके बारे में आप प्रैक्टिस करिए। और कुछ भी लगता है तो मैं ऑलवेज हूँ ही, आप मुझसे कभी भी कोई मैसेज करके आप मुझसे लगता है कि पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं ऑलवेज जितना होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इसी बात पे कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए द वर्ल्ड क्रिकेट डॉट कॉम को और बेल आइकॉन को दबाएं और बंगाल टेनिस क्रिकेट के सारे अपडेट और क्रिकेटर्स की जानकारी के लिए आप उसको फॉलो करें। तो इसी के साथ मैं जो है दर्शकगण को, आप रहिए थोड़े देर, दर्शकगण को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि कैसा लगा ये शो और शेयर करके बताइए आपका कोई क्वेश्चन रहे, हम फास्ट फॉरवर्ड अंकुर जी को भी करेंगे अगर आपका कोई सवाल रह जाए, और साथ ही आपको नेक्स्ट किसे देखना है एपिसोड में वो हमें जरूर बताएं, शेयर करें दोस्तों के बीच, मजा लीजिए, क्वारंटाइन टाइम है, कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन टाइम है, मजा लीजिए इन शोज का। तो आज के लिए जो है होस्ट किशोर कुमार बैनर्जी, मेरे को होस्ट आदित्य कुमार पांडे की तरफ से अलविदा।